जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब परमात्मा की कृपा से संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखद होंगे। मित्रों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कोटि कोटि बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आज आप सबको जो बताने जा रहा हूँ वह भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताने वाला हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह त्योहार हर साल पूरे देश में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रती रहकर पूरे नियम और संयम से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार जन्माष्टमी के दिन यानी 18 अगस्त के दिन ध्रुव और वृद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। 18 अगस्त की रात्रि में 8:42 तक वृद्धि योग रहेगा, इसके बाद ध्रुव योग शुरू हो जाएगा। 19 अगस्त को रात 8:59 तक रहेगा। हिंदू धर्म में ये योग बेहद खास माने गए हैं। इस योग में किए गए कार्यों का परिणाम शुभ होता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि अष्टमी तिथि 18 अगस्त को शाम 9:20 से प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त होगी। निशित पूजा 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक रहेगी। निशित पूजा की कुल अवधि 44 की होगी। पारण 19 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद होगा। इस वर्ष जन्माष्टमी की तिथि को लेकर काफी लोगों में मतभेद है। कोई 18 अगस्त को तो कोई 19 अगस्त को जन्माष्टमी होने का दावा कर रहा है। कुछ लोगों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात 12 हुआ था तो ये योग 18 अगस्त को बन रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और इसी तिथि में सूर्योदय भी होगा, इसलिए जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। लेकिन अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी तिथि की रात 12 हुआ था, इसलिए यह त्योहार 18 अगस्त को ही मनाया जाएगा। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इस चैनल पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंत्र, पूजा विधि, व्रत त्योहार के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो डाल रखा हूँ। आप जाकर उसे देखना और उसका लाभ प्राप्त करना, मुझे खुशी होगी। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।